लो एक बार और झलक देख लो आप पीछे मंदिर की, श्री राधा रानी का मंदिर। तो भाई चलते हैं गोवर्धन और फिर बाकी की बातें वहीं पे करते हैं, तो लेट्स गो। तो भाई निकल चुके हैं बरसाने से श्री गोवर्धन महाराज के लिए। अब मेन रोड पे तो भाई पुलिस प्रशासन इतना है कि क्या ही कहें, पर ये है कि कुछ अपने भाइयों ने, गांव के लोकल लोगों ने बताया है अंदर अंदर से कि ये रास्ता है, थोड़ा सुनसान है पर ठीक है रास्ता, तो ओके की रिपोर्ट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और आगे चलते हैं, देखते रहते हैं, और जब पहुंचते हैं गोवर्धन तो आपको परिक्रमा भी दिखाते हैं और दर्शन भी कराते हैं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बस तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं गोवर्धन और यहाँ से कर दिया है गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ से आप परिक्रमा उठाओगे वहीं पर आपको पूरी खत्म करनी पड़ती है। एक्चुअली कहते हैं है 21 किलोमीटर की, पर भाई मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं पहले भी दो तीन बार दे चुका हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि 21 किलोमीटर की नहीं है, 24-25 किलोमीटर की अप्रोक्स पड़ती है। और तो आरंभ कर दिए परिक्रमा, थोड़ा सा परिक्रमा में बीच में आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद दर्शन कराएंगे, फिर मिलते हैं चलते वक्त की वीडियो में। भाई यहाँ से आरंभ होती है हमारी बड़ी परिक्रमा और इसका आधा रास्ता तय होता है पूर्छी के लोटा में, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो लेके प्रभु का नाम भाई करते हैं शुरुआत बड़ी परिक्रमा की। भाई रात के बज गए हैं 1:30 और परिक्रमा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है, 6 किलोमीटर चल के आ गए हैं पूर्छी के लोटा पे। कुछ ऐसा दिखता है, अगर दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखता है पूर्छी का लोटा। और अभी चल रहे हैं, अब यहाँ पर लेंगे छोटा सा एक टी ब्रेक, चाय चुई पी लें यार, तेल लिकड़ का पैरन का, पसीने में बुरा हाल है। ये अपने कुछ साथी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको देखते हैं और फिर भैया अपना कार्रवाई करते हैं आगे की, चाय वाय पीते हैं फिर आगे मिलते हैं। तो भाई आ गए हैं बड़ी परिक्रमा के, आधे रास्ता कवर करके, मतलब आधा रास्ता कवर कर लिया है और जगह का नाम है पूर्छी का लोटा। ये बड़ी परिक्रमा का मिडवे है, मतलब मिडवे मतलब आधा रास्ता कवर कर लिया है हमने यहाँ से। अब बढ़ते हैं भगवान जी के दर्शन करके आगे की तरफ, यह पूर्छी का लोटा। तो भाई फाइनली बड़ी परिक्रमा पूरी कर दी, रात के बज रहे हैं 3:30, मतलब मॉर्निंग ही हो गई ऑलमोस्ट। तो भैया परिक्रमा कर दी है पूरी, अब यहाँ मत्था टेक के आरंभ करते हैं छोटी परिक्रमा, तो वो भी दिखाते हैं आपको, फिर देखते हैं कब तक खत्म होगी। तो छोटी परिक्रमा में मिलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करके। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं छोटी परिक्रमा के श्री राधा कुंड, और ये श्री राधा कुंड में थोड़ी देर पैर अंदर डाल के बैठे हैं ताकि थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। सुबह के बज गए हैं 5:15, अब यहाँ से बस थोड़ी देर में निकलने की तैयारी है और हम क्या लिकड़ेंगे, हमारा तो तेल ही लिकड़ का। चलो जय श्री राधे, देखते हैं क्या है, निपटाते हैं। भाई ये परिक्रमा अंतिम छोर की तरफ और यहाँ बैठे हैं बंसी वाले, ये है आपका गिरिराज मंदिर, श्री गिरिराज महाराज का मंदिर। ये परिक्रमा यहाँ पर समाप्त करते हुए, और भाई अभी दर्शन कराते हैं आपको बहुत शानदार।
मंदिर का मेन प्रासंग श्री गिरिराज महाराज का मंदिर। और भाई आदमी कितना भी थका हुआ हो, यहाँ पर पहुँच के बिहार जी को देख के सारी थकान दूर हो जाती है भाई, आनंदित हो जाता मन। लो सब लोग दर्शन कर लो श्री गिरिराज महाराज के। तो भाई सुबह के बज गए 6:30 हैं बोला भाई, और यहाँ निकल गया हमारा तेल और कुसुम सरोवर पहुँच गए हैं 12:30 बजे। परिक्रमा 12 बजे उठाई थी, 12 बजे हमने रात को परिक्रमा उठाई थी, आरंभ की थी और कुसुम सरोवर से, और अभी 6:30 बजे ख़त्म कर रहे हैं परिक्रमा को, अंत कर रहे हैं। और भाई इसी के साथ ये व्लॉग भी एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी जहाँ पर भी जाऊँगा वो टूर रहेगा। जय श्री राधे। एंजॉय द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, इससे ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा। चलो ठीक है।